देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके माइंड में प्लानिंग है, मैं 100% श्योर हूँ वो सारी चेंज होने वाली है। क्योंकि मुझे पता है, मेरी जितने बच्चों के साथ डिस्कशन हुई है, नॉर्मली बच्चों का जैसे ये व्यू रहता है, जी आपको भी पता होगा कि 15 मिनट में आप पहला क्वेश्चन ना देखो, आप MCQs को ना देखो, आप वो क्वेश्चन देख लो जो आपको नहीं आते हैं, जो आपने छोड़ने हैं। नॉर्मली ये सब डिस्कशन बच्चों में होती है, जी मैंने देखा है। लेकिन जी मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद एक तो आपका सारा प्लानिंग का वे चेंज होने वाला है, और दूसरी बात, अब जो भी आप प्लान करोगे वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होगी, ये आप भी देख लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि बेसिकली होता क्या है 15 मिनट को लेकर। सबसे पहली बात, एक वीडियो में मैं आपको कैसे गाइड कर दूं, आप बताओ कि ऐसे ऐसे बच्चों प्लान कर लो, रीजन क्या है। अब ये देखो जो पेपर का पैटर्न है, ठीक है, मैं मानता हूं किसी में MCQ आते हैं, किसी में नहीं आते हैं, ये तो पैटर्न तो चेंज है ही है। बाकी की चीज में ध्यान रखो, जो हमारे पेपर हैं, जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, जिस जो भी कोर्स है आपका, उस हिसाब से जरा ध्यान से सोचो। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इसका का पेपर है, जैसे मैं IPCC की बात करूं, ITSM जा हमारा EIS SM सब्जेक्ट है, नॉर्मली क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज बेंचमार्किंग, व्हाट इज स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को 15 मिनट में आपको देखकर टिक लगाना, अच्छा ये मुझे आता है, ये नहीं आता है, ये तो बहुत ही आसान बच्चों वाला काम है, ये तो कोई भी बच्चा लगा लेगा, 15 मिनट में परफेक्ट प्लानिंग हो जाएगी। ये तो आप देख ही लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, इसको ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो इसको मैं पहले नंबर पर रख लूंगा, इसको दूसरे पर रखता हूं। ये ऐसे ही क्वेश्चन हो फिर तो वो चीज सक्सेसफुल है। अभी हमारे पेपर कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन डाला गया उसके आगे 4 सब पार्ट हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाया उसके भी 4 सब पार्ट हैं, तीसरा क्वेश्चन उठाया उसके 5 सब पार्ट हैं, कोई क्वेश्चन उठाया उसके दो दो नंबर के, एक एक नंबर के 10 सब पार्ट हैं। अब मैं वो पढ़ूंगा तो प्लान करूं ना, एक सब पार्ट है, 4 है जिसके मुझे 2 आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो 15 मिनट में क्या प्लानिंग हुई, जरा ध्यान से सोचो। जितनी देर तक मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ूंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आता है या नहीं आता है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ही जब अलग अलग है, तो मैं एक बेस, एक प्लानिंग वाला बेस कि 7 में से इतने करूंगा, 6 में से इतने करूंगा, वो कैसे बना लूं, ये आप मुझे बताओ। लग रहा है ना ये चीज आपको, ये आपको भी लगेगी हाँ ये चीज नहीं पॉसिबल है। अब एक काम मैं आपको दे रहा हूं, जो आज आप फ्री टाइम में रात को सोने से पहले ये करके सोना, और हो सके तो मेरे साथ वीडियो में शेयर जरूर करना नीचे कमेंट बॉक्स में, आपने क्या किया। एक तो पहले जरूर शेयर करना, कमेंट करना, हाँ मैं आज इस चीज को डिस्कस करूंगा, मतलब मैंने समझा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को समझे हो, ये मुझे जरूर बताना। और उसके बाद अपनी प्लानिंग सेट करके फिर मेरे साथ शेयर करना कि हमने चेंज किया है। अब आपको करना क्या है, कोशिश करें कि आज ही May 19 वाले आपके 4 पेपर होने जा रहे हैं, आपके 8 पेपर होने जा रहे हैं, सभी पेपर को एक बार देखो। जैसे आप FR देखोगे, नॉर्मली सब पार्ट्स कम होते हैं, स्टैंडर्ड के सब पार्ट होते हैं ना, लेकिन बाकी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अकाउंट्स को ले लो, IPCC या इंटर के 10-10 नंबर के 2 पार्ट हैं या 8-8 नंबर के 2 पार्ट है, मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, हम थोड़ा बेटर प्लान कर सकते हैं। लॉ को ले लो, ऑडिट को ले लो, नॉर्मली नंबर ऑफ सब पार्ट्स ज्यादा हो जाते हैं। और ये भी होता है, ये नहीं है सब पार्ट 4 है तो वो एक एक दो दो लाइन है, वो इतना इतना पैरा दिया होता है, 5-5, 6-6, 7-7 लाइन का, तो वो पूरा पूरा पढ़ना पहले 15 मिनट में पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको ये बताता हूं फिर फाइनली हमने कैसे करना है। अभी तो मैं आपको एक काम दे रहा हूं, ये सेट करो पहले देखकर कि 8 में से या 4 में से जितने भी आपके पेपर हैं, कौन से में कैसा पैटर्न डाला जा रहा है, किसमें आपको लगता है कि जाते पहले 15 मिनट में प्लानिंग हो जाएगी, किसमें आपको लग रहा है कि प्लानिंग इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें खिलारा इतना ज्यादा होगा। एक तो ये चीज माइंड में सेट कर लो, ध्यान से देख लो, एक पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, जब आपने पहले 15 मिनट में क्वेश्चंस को देखना है, मैं आपको यहां पर यही सजेस्ट करना चाहूंगा, मैं तो उसमें पहला क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाहूंगा, मैं तो वो भी देखूंगा, हो सकता है वो इतने अच्छे तरीके से आता हो, पहले 20 नंबर में पक्के कर लूं, और पहले आधे घंटे में अगर मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया और मैंने अपने 20 नंबर सिक्योर कर ले, तो इससे बढ़िया क्या है। देखो आपको लगेगा कि कंपलसरी वाला अटेम्प्ट कर लिया, बाकी में तो फिर भी ऑप्शन है, इसलिए मैं तो पहले वाला भी देखूंगा जरूर। अच्छा यहां पर क्वेश्चन देखने की बात आ गई है, पहले वाला भी देखना है, बाकी के भी देखने हैं। पहले 15 मिनट में आप कितना देख लोगे, जैसे मैंने बोला शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे डायरेक्ट पूछे हैं, वो तो पूरा क्वेश्चन लाइन को रीड कर लेते हैं हम, लेकिन जब पैरा बनाकर दिए हुए हैं, जब कोई प्रैक्टिकल है, हमने क्या देखना है, ध्यान से नोट करो, हमने क्या देखना है,
हमने ये देखना है उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या मांग रहा है, टैक्स का पेपर है वो क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, हमारा लॉ का पेपर है कौन से एक्ट में कौन सी चीज पूछी गई है, ये देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये चैप्टर में छोड़ के आया हूँ, ये टॉपिक में छोड़ के आया हूँ, ये चीज मुझे आती है, अच्छा ये पेनल्टी पूछ रहा है ये मुझे नहीं आती है, ये प्रोसिक्यूशन में से है एंड में ऐसे पूछ रहा है, ये मुझे आता है ये नहीं आता है, सिर्फ ये जजमेंट आप पहले 15 मिनट में कर लोगे और कंक्लूजन क्या निकालना है आपने, आपने ये देखना है ऐसे थोड़ी थोड़ी ओवरव्यू झलक सी देकर हर क्वेश्चन के एंड वाले पार्ट को, अच्छा मेरे हिसाब से ये वाले 5-7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं पहले 1.5 घंटे का हाफ टाइम में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम इतनी आउटपुट निकालूं कि 50 नंबर का अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो उसमें मैं अपने 35-40 श्योर कर पाऊं, क्योंकि बाकी वाला जो मेरा पार्ट रहेगा हाफ टाइम हाफ पार्ट ऑफ पेपर, उसमें वो पार्ट मुझे पता है नॉर्मली सभी बच्चों का होता है जिसमें वो मेहनत करते हैं हार्डवर्क करते हैं और क्वेश्चंस को खुद मेहनत के साथ निकालते हैं, पहले वाला पार्ट नॉर्मली हम वो उठाते हैं जो हमारा कुछ फ्लो होता है जिन क्वेश्चंस के ऊपर, तो पहले वाला अगर आउटपुट आपका अच्छा चला गया टाइम के अंदर चला गया तो दूसरा वाला नेचुरली अच्छा जाएगा, हार्डवर्क करने का मन करेगा कि चलो पहला पार्ट अच्छा गया, अगर पहला खराब कर लिया वो क्वेश्चंस गलत चूज कर लिए इसका मतलब दूसरे वाले पर इफेक्ट जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रख लो पहले वाले पार्ट में। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन में आपने जैसे पार्ट हैं तो किसी के एक पार्ट आता है, किसी के दो पार्ट हैं, एक आता है एक नहीं आता, ये चीज आपको तो जज करनी पड़ेगी। अच्छा ये ज्यादा टेंशन ना लो, ज्यादा प्रेशर ना लो, वैसे ही आप जरा ध्यान से सोचो कि हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप 5-10 मिनट उसको, अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो, 5 मिनट तो कम से कम पढ़ने के लिए लगाते ही हो, तो वो 5 मिनट तो हमें लगाने ही पड़ेंगे, इसलिए 15 मिनट में सारा कुछ देख लो, इतना प्रेशर ना लेना, वो 5 मिनट हर क्वेश्चन के आगे आपने मुझे पता है डिवोट कर ही देने अल्टीमेटली। अच्छा यहां पर जो एक और मेन बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अब देखिए आपने ठीक है पहले 15 मिनट में वो प्लानिंग कर ली, अभी बात आ रही है एमसीक्यूज की, क्या एमसीक्यू को पहले 15 मिनट में देखा जाए। देखिए होता क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली सभी मना करते हैं, एमसीक्यू मना करते हैं क्योंकि वो कहते हैं मैंडेटरी आपको करना ही करनी है, लेकिन मान लो मैंडेटरी वाले हमें सबसे पहले अच्छे तरीके से आते हैं तो हमने पहले वाले पार्ट में वो काम करना है जो हमें सबसे अच्छे तरीके से आता है, तो मान लो पहले 15 मिनट में मैंने बाकी के क्वेश्चंस में से ये तो फाइंड आउट कर लिया ये पार्ट में पहले डील करूंगा, तो अगर मैं 2 बजे के बाद, क्योंकि ये कौन सी चीज हमारे ऊपर कह लो कि गन पॉइंट रख दी गई है भाई चलो 2 बजे के आंसर शीट उठाओ लिखना शुरू करो पढ़ने का टाइम खत्म, अगर मैं 10 मिनट और पढ़ लूं मीन्स मैं 15 की बजाय 20 या 25 मिनट लगा लूं पढ़ने को, एमसीक्यू भी थोड़े थोड़े देख लूं, हो सकता है मेरे 20 नंबर के 25 नंबर के या 30 नंबर के एमसीक्यू मेरे आते हुए निकले, थोड़ा थोड़ा नजर मारी मुझे लगा हाँ छोटे छोटे वाले मैंने देख लिए मुझे काफी आते हैं, पहले 1.5 घंटे में वो भी तो हम कर सकते हैं, हमें कौन सा मना है कि एमसीक्यू पहले 1.5 घंटे में नहीं करने, तो इसलिए पहले एमसीक्यू नहीं करने हैं, बाद में करने हैं, इसको मिड में रखना है, ये सारी चीजें भूल जाओ, मैं तो आपको यही बोलूंगा सब कुछ भूल जाओ, ये पेपर में जाकर आपके ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए, जस्ट ये प्रेशर, पहले 1.5 घंटे में आपने फुली सक्सेसफुल वे के साथ चलना है कि मैं जो कर रहा हूं उस पर मेरा होल्ड है और मैंने जो किया उसमें मैं अपने 35-40 मार्क्स मैंने सिक्योर कर लिए हैं, बाकी वाला जो काम है उसमें मैं अगर 20 से ऊपर सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी तो एग्जेम्पशन आ गई है, अगर बाकी के पार्ट में भी बहुत कुछ अच्छे तरीके से आता है उतनी मार्क्स मेरे बढ़ते जाएंगे, तो ये स्ट्रेटजी अगर आप मानकर चलोगे इसमें, लेकिन आपकी एक जो हेल्प है वो आपको खुद करनी है, आज ही आप अपने पेपर को उठाइए मई 19 में, सिर्फ मई 19 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन जिन पेपर में एमसीक्यू आने हैं वो मई 19 में आए थे, उससे पहले एमसीक्यू नहीं थे, लेकिन जिन पेपर में एमसीक्यू नहीं आने हैं वो आप पुराना पेपर भी देख सकते हो या 2-3 पेपर भी देख सकते हो, तो ये चीज मेरी मान लो आज से ही अपने पेपर को देखो एक बार और सेट करो कितने सब पार्ट आते हैं, कितना कि इनडेप्थ वो पेपर में जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन आता है, और पेपर को क्वेश्चन के एंड से जज करने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक ये चैप्टर आप करके आए हो या नहीं करके आए हो, और पहले 1.5 घंटे में आउटपुट मैक्सिमम रखनी है, इतना काम कर लो तो आपकी जो पहले 15 मिनट की प्लानिंग है वो नंबर 1 पर रहेगी, तो चलिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। हाँ याद से कमेंट करना ना भूलना, मेरे साथ अपनी सभी चीजें शेयर करते रहा करो वीडियोज के नीचे, ताकि मैं और कंटेंट जो हमारी कह लो कि जैसे मैंने स्टार्ट की हुई है सीरीज, याद है ना कि शामे गजल को लेकर शामे एग्जाम हमारी जो चल रही है, तो ये उसका 3rd पार्ट था आज, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, तो
तो फटाफट हमारा जो कह लो टेलीग्राम चैनल है वो भी आपको दिखा देता हूँ, राइप क्लासेस के नाम से, ये भी ज्वाइन कर लेना। बाकी जो हमारा कह लो कि यूट्यूब का चैनल है वो तो आप याद से, बहुत बच्चों ने तो ऑलरेडी ज्वाइन किया है, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो याद से शामे एग्जाम के सारे एपिसोड देख लेना, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज रहेंगी, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।